दोस्तों ये टाटा एस का टाइपिट कवर है और टाइपिट कवर से आयल लीक हो रहा था इसका, और इसको हमने चेक कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे चेक करके कि स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसा सोल्यूशन है इसका। टाइपिट कवर की ओरिंग डालना पड़ती है या टाइपिट कवर पैकिंग या फिर ऊपर के रबर। चलो देखते हैं खोल के। सबसे पहले खोलेंगे हम 10 के 6 नट जिसके अंदर टैबलेट कवर लगा रहता है, और उसके साथ में एक क्लिप निकालेंगे ऊपर का टैबलेट कवर का, और टाइमिंग कवर के अंदर भी एक 17 नंबर का या 16 नंबर का बोल्ट होता है वो निकालेंगे। भाई गिर जाएगा उसका, पहले खोल लेंगे उसको। देखिए पूरे लूज कर ली हमने, सबको धीरे 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 निकाल लेना है। पूरे लूज होने के बाद हाथ से खुल जाते हैं। देखिए पाइप भी हम लूज कर देंगे, क्लिप लोड दी हमने नीचे। ऊपर से ही निकले हुआ था, और ये 16 नंबर का नट है टाइमिंग कवर का पतरे का, यानी फाइबर का पतरा होता है, वो खोल लेंगे। और वो खोलते ही आप टाइपिट कवर ऊपर की ओर निकाल लेंगे जो कवर में अटका हुआ रहता है। देखिए इस तरह से ग्रूव में, और वो निकल चुका है। और देखिए और इसका लीक हो रहा था, और ये इसकी जो टैबलेट कवर की जो पैकिंग है रबर रिंग, तो वो ख़राब दिख रही है। हम उसको पहले निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे। देखिए पूरी गिल्ली हो चुकी है ये, और इसका जो टैबलेट कवर का रबर रिंग है हमको वो नए वाला डालना पड़ेगा। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम था इसका उसी से है, और हम उसको साफ करके उसका पैकिंग डाल देंगे। देखिए ये पैकिंग है टैबलेट कवर का सिलिकॉन वाला, हम ये पैकिंग डाल देंगे इसमें। और ये टाटा एस ईएक्स मॉडल वाला भी है, सुपर एस जो होता है उसमें। अभी इसको साफ कर लेंगे पहले हम पूरा, और फिर फिटिंग के लिए शुरुआत करेंगे। जैसे पूरा हेड के ऊपर जो जहाँ टैबलेट कवर बैठेगा वो जगह पूरी साफ करना ज़रूरी है। देखिए साफ हो चुका है, और अब हम लगा देंगे इसमें निकाल के टैबलेट कवर का पैकिंग। और जो टाटा एस का टैबलेट कवर लीकेज प्रॉब्लम है वो लीकेज बंद करने के लिए टैबलेट कवर का पैकिंग डालना ज़रूरी है। नहीं अभी नहीं है, लगेंगे नहीं, दो मिनट। देखिए ये सिलिकॉन वाला टैबलेट कवर पैकिंग है, और ये इस तरह से बिठाना होगा इसको आराम से। और देखिए हमने इसको साफ किया और टैबलेट कवर पैकिंग बिठाकर इसको आराम से इस तरह से छोड़ना है कि उसके अंदर स्लू पाइप आते हैं स्टड में, पाइप गिरे ना, इसके लिए इसको बहुत आराम से मिलाकर आपको बिठाना है, तभी ये परफेक्ट बैठेगा और लीक नहीं होगा। देखिए इस तरह से अभी इसका टैबलेट कवर का जो टाइमिंग कवर का जो पतरा है उसके अंदर उसको अटकाना ज़रूरी है। देखो इस तरह से अब वो बराबर बैठ गया, जहाँ कि जो उसका एयर ग्रेदर पाइप जो आता है एयर क्लीनर में कनेक्ट होने वाला
उसको भी इसके साथ ही बिठाना होता है। अगर उसके साथ नहीं बिठाएंगे आप तो बाद में बिठाते टाइम वो ख़राब हो जाता है। देखिए हमने इसको सबको 10 नंबर वाइक से डाल दिए और उसको अभी पूरा मिला लेंगे हम पहले। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको उतना टाइट करना है जितना फाइबर आपका बर्दाश्त कर सके। ज़्यादा टाइट करेंगे आप तो वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल लीकेज कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। देखिए पूरे हम मिला ले रहे हैं आराम आराम से, आराम आराम से, स्टेप बाय स्टेप। और उसके साथ ही पूरे मिलने के बाद हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे कहीं कुछ रहे तो नहीं। ठीक है, लगभग अब पूरे बोर्ड मिल चुके हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ लूज तो ना रह गया। पर ये टाटा रैपिड कवर लीकेज था और उसके पैकिंग हम चेंज कर दिए और अब टाइमिंग कवर का बोर्ड लगा रहे हैं 16 नंबर। और ये लगा कर थोड़ी देर इसको सूखने देना है। अगर आपका जो पैकिंग है उसको रबर ट्यूब अगर आप लगाते हैं तो उसको आपको थोड़ी देर सूखने देना होता है, तब जाके वो सही सेट होता है। ये देखिए अभी हम बिठाएंगे एयरगेजर का एयर क्लिप, एयर पाइप का क्लिप, और वो बिठाने के बाद फिर हमारा काम रेडी हो जाएगा। और चेक कर लेंगे एक बार फिर से कुछ छूटा गया उसके अंदर। काम के अंदर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, इस परफेक्ट बैठा या नहीं बैठा। अगर आप उसको टाइट कर देंगे और परफेक्ट नहीं बैठेगा या थोड़ा टेढ़ा बैठ जाएगा तो वो लीक करेगा ऑयल। बता दें इधर से, देखिए दिखाते आपको बैठा या नहीं बैठा। ये देखिए पूरी तरह से परफेक्ट बैठ चुका है और उसको हमने ऑयल भी साफ़ कर लिया। आप हम उसको चेक करेंगे दो दिन के बाद लीक हो रहा या नहीं। देखिए टाटा है इसका, और भी वीडियो जो आपको देखना है तो फिर आइए आप हमारे चैनल पे हाशिर ऑटो गैरेज पर। आपको इससे नए नए वीडियो, नए नए प्रॉब्लम वाले को मिलते रहेंगे। किता टाटा एसी ईएक्स मॉडल का टाइबिट कवर पैकिंग चेंज। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।